विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा प्रभु विनायक की प्रभु विनायक की विनायक की प्रणम्यं शिरसादेव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्ययः पठेन्नरः न च ये कैसे संभव है सर्वासिद्धिकरं प्रभो रूपा वर्षा होगी अवश्य होगी तुम्हारे प्रभु विनायका की। देखा चाचा जी, प्रभु की लीला जहाँ होती है ना वहाँ कुछ भी सूखा नहीं रहता। आपका कहा सत्य हो गया, प्रभु स्वयं प्रकट हुए। अब देखिए जले जले चाचा जी। इस बंजर भूमि में जल ही जल होगा, नदी भी अवतरित होगी। सत्य कहा था आपने, नदियां अवतरित होगी। तो देखिए हो गई, जल ही जल है यहाँ। चाचा जी, हमने आपसे कहा था ना कि प्रभु स्वयं आएंगे हमारी सहायता के लिए। देखिए ना, वो आ गए हैं। दुष्ट, इतने महान विनायक भक्तों को तुम जानबूझकर कष्ट दे रहे थे। बहुत अत्याचार किया है इनके साथ, बहुत सताया है इन्हें। तुमने इन्हें बंजर भूमि दी थी ना, आज इन तीनों की भक्ति और आस्था से ये बंजर भूमि पावन भूमि बन गई है। आज वही कानी या एक कोना भूमि इस श्री फल के जल से अभिषिक्त होकर पाकम अर्थात जल से परिपूर्ण हो गई है। अब ये भूमि बंजर नहीं, कानी पाकम के नाम से विख्यात होगी। तब से भूमि का वो छोटा सा कोना उस पूरे क्षेत्र में कानी पकम के नाम से विख्यात हो गया। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, क्षमा करना गणपति बापा। तुम लोग भी मुझे क्षमा कर दो, बहुत अन्याय किया है तुम लोगों पर, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। उठिए चाचा जी, हम आपके पुत्र समान हैं और एक पिता समान बड़े का क्षमा मांगना शोभा नहीं देता, और हम कोई नहीं है क्षमा देने वाले। क्षमा का अधिकार तो केवल हमारे प्रभु श्री विनायका का है। आप उन्हीं की आराधना कीजिए, वही आपको क्षमा करेंगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु विनायक की। कुछ समय बाद वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। मेरे उन तीनों भक्तों को मेरे वरदान के कारण दिव्यांगता से मुक्ति मिली, इसीलिए मेरी इस स्वयंभू प्रतिमा को भक्त स्वयंभू वर सिद्धि विनायका के नाम से पुकारने लगे। जो भी भक्त अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इस वर सिद्धि मंदिर में दर्शन के लिए आता है, उसे मनोवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। पश्चाताप में क्षमा मांगने वाले को क्षमा दान भी मिलता है, जैसे उस दुष्ट चाचा को मिला। इतना ही नहीं, मेरे उन तीन भक्तों की भक्ति का प्रतीक है कि आज भी मेरी स्वयंभू प्रतिमा का आकार बढ़ता ही जा रहा है।
मेरे इस मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा है। अच्छा तो बताइए पुष्पदंत जी, आपने कानीपकम की कथा से क्या सीखा? व्यक्ति ही वो नहीं, व्यक्ति को अपनी शारीरिक कमियों के कारण स्वयं को दुर्बल नहीं समझना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। सब कुछ भूलकर सफलता प्राप्त करने के लिए लगन से अपना कर्म करना चाहिए। भक्ति और कर्म में जो संतुलन बना कर रखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं, जैसे मेरे इन तीनों भक्तों ने किया और फलस्वरूप उन्हें मेरा वर मिला। सत्य तो ये है, भगवान स्वयंभू बनकर ही नहीं आते, अपितु भक्तों को बिना मांगे भगवान सब कुछ देते भी हैं। हाँ प्रभु, मैं समझ गया। तो अब आप भागेंगे तो नहीं? बोलिए बोलिए पुष्पदंत जी। किंतु गणेश जी, आपने वचन दिया था कि अगर मैं आपकी कथा पूरी सुनूंगा तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उचित है, पूछिए। इन्हें मैं प्रश्न के चक्र में उलझा कर निकल जाऊंगा। कदाचित ये इनकी भाग निकलने की कोई योजना तो नहीं? आप तो बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, कोई भी कठिन प्रश्न आपके लिए सरल होगा। तो मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूँ। उचित है, आप सरल ही पूछिए। बहुत सरल है प्रभु, बस आपको आंखें बंद करके ये बताना है कि मेरी कितनी उंगलियां खुली हैं। बस इतना ही? हाँ बस इतना है। किंतु गणेश जी, आपको ये वचन देना होगा कि आप अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना सरल ही होगा। उचित है। जया मौसी, आप भी अपनी आंखें मूंद लीजिए। अब उचित है, एक बार पुनः पूछिए आपका प्रश्न। पुष्पदंत जी, मैं आपके प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप पूछते क्यों नहीं? गजानन, सब व्यर्थ हो गया, हम पुनः उसी परिस्थिति में आ गए। ज्ञात नहीं इस बार कहां जाकर छिपे होंगे पुष्पदंत जी। चपल तो बन गए चकमा देकर, किंतु चतुराई का भान नहीं। ऐसी दिशा में छिप गए जिसका उन्हें ज्ञान नहीं। चिंता मत कीजिए जया मौसी, मैं उन्हें फिर ढूंढ निकालूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके भीतर प्रवेश करता हूं मैं। क्या हुआ ये? साधारण ऋषि और मैं असाधारण पिशाच, फिर भी इनमें प्रवेश नहीं कर सका? ऐसी अपार शक्ति कहां से अर्जित की है इन्होंने? काशी की पावन भूमि में तप करने वाले ऋषि मुनि के तन में पुष्पदंत जी को आश्रय मिलना कठिन है। यहीं लौटने पर विवश होंगे वो। कोई तो होगा जिसमें मैं उपास कर सकूंगा। शीघ्र कुछ नहीं किया तो गणेश जी ढूंढ लेंगे मुझे। गजानन, पार्वती नंदन, वो आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकेंगे। उनका पिसाची स्वभाव उन्हें ऐसा करने नहीं देगा।
आप उचित कहती हैं मौसी, उन्हें मुझे ही खींच कर लाना होगा। कुछ करो पुष्पतंत्र, इनमें से किसी ऐसे के भीतर घुसो जिसकी दिव्य शक्ति के आगे गणेश जी भी कुछ ना कर सके, वो भी ना निकाल सके मुझे। कोई तो ऐसा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पमाला में सभी पुष्पों का मुग्दल एक होना चाहिए। इस प्रकार चंदन के लेप में जल की मात्रा कम रखेंगे तो लेप अधिक तरल भी नहीं होगा और मस्तक पर टिकेगा। पूजा में कैसे बेलपत्र चढ़ेंगे उन पर ध्यान देना भी आवश्यक है। इनमें से किसी पर भी कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। भृंगी जी, आपने हवन कुंड को उचित प्रकार से स्थापित नहीं किया है। और हाँ, ध्यान से देख लीजिए, सर्व सामग्री आ गई है ना? मुझ में और इनमें तो बड़ी समानता है, सभी के कार्य सुधार रहे हैं। क्यों ना मैं भी इनके भीतर प्रवेश कर अपना कार्य सुधार लूं, ऐसे छिपूं कि गणेश जी की दृष्टि से भी बच जाऊं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम स्वामी। मैंने आपके लिए मिष्ठान बनाए हैं स्वामी, जिससे भजन संध्या के लिए आपके सुरों में और मिठास आ सके। मैं लेकर आती हूँ। रुको प्रिय, धन्यवाद, किंतु प्रभु भजन का गान किए बिना मैं अपने मुख में भोजन का ग्रास रखने का पाप कैसे कर सकता हूँ? आपकी भक्ति तो अतुलनीय है पुणिया स्वामी जी, अद्भुत। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु हाँ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि महादेव के स्तुति गान के बिना मेरे लिए कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं, उनके प्रसाद के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी संकट हो, भूत हो, पिशाच हो, मेरी भक्ति के प्रभाव के कारण छिटक कर दूर हो जाते हैं, मेरा स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। मिष्ठान विशेष है, आपने विशेष रूप से बनाया है, तो विशेष रूप से प्रभु को भजन संध्या में प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, फिर हम सभी प्रसाद को प्रेम से मिलकर ग्रहण करेंगे। उचित है स्वामी। आप सभी को स्मरण रहे, भजन संध्या समय पर आरंभ हो, प्रभु के कार्यों में विलंब मुझे नहीं भाता है, यह भी मेरा नियम है। और नियम कोई भी हो, शास्त्रों द्वारा निर्धारित या स्वयं मेरा बनाया हुआ, किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्णिया स्वामी कभी नहीं करता, कदापि नहीं करता। किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्णिया स्वामी कभी नहीं करता। आप सभी लोग संध्या भजन की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा स्वामी जी। जाइए भोग लेकर आइए। जी स्वामी। ओम नमः शिवाय। नियम का ज्ञान बांटने वाले ने स्वयं ही शास्त्रों का नियम भंग कर दिया, स्वच्छ पांव लेकर आसन पे बैठ गए। ये अचानक स्वामी जी को क्या हो गया? हाँ,
अचानक इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? इनके मुख पर कैसी मुस्कान है? ये आज हो क्या रहा है यहाँ? पूजा आसन पर ये विचित्र मुद्रा, स्पष्ट है पिशाची प्रवृत्ति ही है ये। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? भजन संध्या का समय बीता जा रहा है, विलंब हो रहा है। भजन कीर्तन करना है, भोग लगाना है और प्रसाद बांटना है। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, आज पहले ही प्रसाद बांट देते हैं फिर करेंगे कीर्तन। यही ठीक है ना? अरे खड़ी क्यों हो, मुझे दो। ला स्वामी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? पुष्पदंत जी, आपको ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है, आप किसी के भीतर छिप कर भी नहीं छिप पाते। सौम्य सुंदरी सुशीला नील नैना और मधुरा। समय और परिस्थिति दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। सौम्य सुंदरी और तू शिव, तू ही विकराल है, त्रिनेत्र शंभु महाकाल है, शशि की शोभा तेरे बाल सात्विक साक्षात तू कपाल है। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम तुझे शत शत नमन। अद्भुत शत शत नमन। ए, रुको। यहाँ मेरे आश्रम में गायन मैं ही करता हूँ। मुझे लगा भजन संध्या है, इसमें तो कोई भी भक्त गायन कर सकता है। वैसे भी आज तो आपके सुर और ताल दोनों बिगड़े हुए हैं। मेरे जैसे महान संगीतकार के बिगड़े हुए ताल में भी सुर होता है। मुझे सुर और ताल का पाठ सिखाने वाले कौन हैं आप? क्या जानते हैं आप संगीत के बारे में? कोई नहीं, मैं तो महादेव का एक तुच्छ भक्त हूँ और इस भजन संध्या में गायन की इच्छा रखता हूँ। सुना नहीं आपने, यहाँ गायन केवल मैं ही करता हूँ और मैं ही करता रहूँगा। किंतु ऐसा क्यों? संगीत तो मुक्त धारा है, उसे कोई कैसे बांध सकता है, और विशेष रूप से वो जो गायन में निपुण ही ना हो। वो मुझ जैसे संगीत में पारंगत व्यक्ति को भला क्यों रोकेगा? अच्छा तो तुम संगीत शास्त्री मानते हो अपने आप को, तो आओ आओ संगीत स्पर्धा क्यों ना हो जाए हम दोनों में। आओ 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 आओ। ये तो गणेश जी हैं, यहाँ भी पहुंच गई, स्पर्धा के लिए तैयार हो गई। अवश्य मुझसे कुछ भूल करा के मुझे इन पुण्या स्वामी के तन से बाहर निकालने की योजना बनाई है इन्होंने। किंतु आज गणेश जी की योजना धरी की धरी रह जाएगी, जो ये कहेंगे उसका उल्टा करूंगा मैं। Thank you.
अधिक समय तक इन स्वामी जी के तन में नहीं छिप सकेंगे आप पुष्पदंत जी। स्वामी जी, पहला अवसर आपका है, आरंभ कीजिए। मैंने पहले आप ही आरंभ कीजिए, क्योंकि एक बार जब मैंने आरंभ कर दिया तो कदाचित आप कहा नहीं पाएंगे। ये जो भी जाल बिछाएंगे उसका उल्टा करने पर मैं उससे पछता रहूंगा। उगते सूर्य भोर हुई। हाँ हाँ, अस्त सूर्य सांझ हुई। तितलियों ने भरी बागों में उड़ान, सो गए पंछी सारे अपने मचान। लीजिए स्वामी जी, गंगा जल पीजिए, कंठ तर हो जाएगा। कहीं गंगा जल पिलाकर गणेश जी मुझे पूर्णिया स्वामी के तन से निकलवाना तो नहीं चाहते? नहीं, मैं अभी भी इनके कहे का उल्टा ही करूंगा। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो जो भी मैं कहूंगा उसका उल्टा करेंगे आप? शंकर सब दर्शन कर लो भोले का कर, ये जीवन हो जगमग जगर जगमग जगर। बम बम डोले हर कण में है कंकर, ये जीवन हो अजर अमर अजर अमर। तो प्रभु महादेव का नाम नहीं लेंगे आप? फिर तो आपके मुख से माता का नाम ही बुलवाना पड़ेगा। शंभु महेश नील कंठ शशि शेखर, सती साध्वी भवानी भवमोचनी दुर्गा। तो अंततः माता का नाम ले ही लिया आपने। बम बम भोले कन कन में है शंकर, जय जय माता रानी की जय कर। बम बम भोले कन कन में है शंकर, जय जय माता रानी की जय कर, जय जय माता रानी की जय कर, जय जय माता रानी की जय कर, जय जय माता रानी की जय कर। अब बचकर कहाँ जाएंगे पुष्पदंत जी? लज गए ना मेरी चाल में। आप यहाँ है तो वहाँ कौन है प्रभु? मैं वहाँ भी तो मैं ही हूँ। लीजिए स्वामी जी, गंगा जल पीजिए। स्वामी, क्या हुआ आपको? क्या हो गया था मुझे? एक भी नियम नहीं भंग करने वाला मैं, आज इतने सारे नियम भंग करता चला गया। अहंकार वो अवगुण है जो बुराई के सारे द्वार खोल देता है स्वामी जी। आज आपने
अपनी भक्ति के अहंकार में बिना पांव धोए आसन ग्रहण करने की भूल जो की थी। किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्णिया स्वामी कभी नहीं करता। उचित कहा आपने, भूल तो हुई है मुझसे, घोर भूल। अहंकार जब अति विश्वास बन जाए तो ऐसी भूल संभव हो जाती है। बुराई आपके भीतर की अच्छाई पर सेंध लगा देती है। भक्त रूपी धर्म पर पिशाच रूपी अधर्म हावी हो जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, आज के बाद मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। पंडित जी, अब स्वेच्छा से चलेंगे आप या फांस में बांध कर ले जाना होगा? पास की क्या हो सकता है गणेश जी, कष्ट होता है, मैं स्वयं चलता हूँ वहीं जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं। गणेश जी, आप मुझे बार बार यहाँ क्यों लाना चाहते हैं? बार बार यहाँ से भाग क्यों जाते हैं आप? उचित है तो अब पूछूं? तो गणेश जी बताइए, बार बार मुझे यहाँ लौटाने से क्या प्राप्त होगा आपको? वचन दिया है इन्होंने, केवल वचन के लिए ही नहीं, आपको भक्ति का महत्व समझाकर इस पिशाच योनि से मुक्त कराना चाहते हैं, ताकि हम कैलाश में फिर से एक साथ रह सकें और प्रभु महादेव की कृपा का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। मैं नहीं बदला, भक्ति का फल यदि मुझे देना होता तो क्षमा कर देते, दंड नहीं देते, दे अपने पास कैलाश में रखते, आसरा देते मुझे। बस भगवान को ही सब देना चाहिए था, आपको सब चाहिए उनसे, किंतु आपने क्या दिया उन्हें? अपने लाभ की चिंता सभी को सदा रहती है, किंतु एक पल के लिए भी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुझसे किसी दूसरे का क्या लाभ हो रहा है? एक साधारण भक्त भगवान को भला क्या दे सकता है? अपना विश्वास, अपनी भक्ति, और इतना ही नहीं, भक्त चाहे तो अपने भगवान को आसरा भी। आसरा? तो सभी को आसरा देते हैं, उन भगवान को भला कोई आसरा कैसे दे सकता है? दे सकता है, एक साधारण भक्त भगवान की अद्भुत सेवा कर सकता है। जिन माता की जय जयकार करने पर पूर्णिया स्वामी को आपसे मुक्ति मिली, उन्हीं देवी माता, जगत जननी, आदि शक्ति के माता वैष्णो देवी स्वरूप को त्रिकुट पर्वत पर उनका आसरा उन्हें एक भक्त ने ही दिया था। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अद्भुत, किंतु भला ये कैसे संभव है? आप रुकिए मत गणेश जी, सुनाइए संपूर्ण कथा सुनाइए। उचित है, तो सुनिए माता वैष्णो देवी और उनको आसरा देने वाले भक्त की कथा। ये कथा प्रारंभ होती है कलयुग के आरंभ से, जो अपने प्रथम चरण में ही अत्यंत प्रबल हो उठा था, जो प्रभु श्री राम के परम भक्त चिरंजीवी श्री हनुमान की चिंता का कारण था। हनुमान जी प्रभु श्री राम अवतार के प्रस्थान के बाद भी गंध मादन पर्वत पर स्थित थे, जहां वो नियमित रूप से युगों तक अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा आराधना कर रहे थे। वहीं उन्होंने महान ऋषियों की सभा में भी भाग लिया था। में पाप की अति हो रही थी, पुत्र लालच में अंधा होकर पिता की हत्या कर रहे थे, बच्चे तक संस्कार को भूलकर लाचार को सता रहे थे, लोग पूजा पाठ त्याग कर नृत्य संगीत एवं द्यूत क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे, दिन दहाड़े चोरी जैसे कुकर्म चरम पर पहुंचने लगे थे। कलयुग में इस बढ़ते हुए पाप के निवारण में एक भक्त ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भक्त थे परम भक्त श्रीधर। किसी भी व्यक्ति से भूल होना स्वाभाविक है, किंतु उसे मान लेना ही संस्कृति है।